ताल मिलाएं, नए जोश से गाएं, इस मंच पर हम आए संगीत की शान बढ़ाए। उभरते सितारे हम हैं, उभरते सितारे, उभरते सितारे हम हैं, उभरते सितारे। एंड जेंटलमैन, आप सभी का हार्दिक स्वागत इन उभरते सितारे सिंगिंग कंपटीशन के थर्ड प्रीलिम में। जी हाँ, इट इज टू सेलिब्रेट द 75th एनिवर्सरी ऑफ द डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशस, यानी कि एक और मौका टू डिस्कवर टुगेदर आवर लोकल टैलेंट्स। तो सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस फिर से करवाना चाहते हैं हमारी जूरी मेंबर्स से। हमारे साथ है गुरु जी विशाल मंगरो जी और हमारी गॉर्जियस डॉक्टर वर्षा रानी, दिस इज आवर दुलुआ, एंड लास्टली हमारी गुरु जी राहुल रानदे। और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। हमारे लोकल आर्टिस्ट, हमारे कलाकार, हमारे साथ है सप्तस्वर ऑर्केस्ट्रा। कैसे हम भूल सकते हैं SD इवेंट्स का, उनके डेको मटेरियल्स के लिए। तो चलिए कंपटीशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बुलाना चाहते हैं ऑन स्टेज शाहे रामजतन, एंड क्या करें, हम तो 90s के चाहने वाले हैं। शुरुआत करते हैं 90s सॉन्ग के साथ। ऐसा
बस मुझे चाहती हो, कहो ना कहो मुझको सब कुछ पता है, हाँ करूँ क्या मुझे तुम बताती नहीं हो, छुपाती हो मुझसे ये तुम्हारी खता है, आ मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो, हे ला ला ला। धन्यवाद। क्या बात है शहर राम जतन जी फॉर दिस वंडरफुल फर्स्ट ओपनिंग ऑफ दिस थर्ड प्रीलिम। तो अभी के लिए हम 90s के एरा में रहते हैं, आपको पहुंचाते हैं 1992 में यलगार मूवी से उदित नारायण की आवाज़ के साथ। लेकिन उदित जी तो नहीं आ पाएंगे, हमारे साथ हमारे लोकल आर्टिस्ट है। अभी के लिए वेलकम हम कहना चाहते हैं तो संतोष आनंद खुलू का। मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूँ, जानता हूँ बारिश हो रही है, ये बारिश न होती तो भी ना आती। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। समझकर थाम तुम होते तो दुश्मन तो कोई बात ही क्या थी, तुम होते तो दुश्मन तो कोई बात ही क्या थी। अपनों को मनाना है, जरा देर लगेगी। अपनों को मनाना है, जरा देर लगेगी। मेरी जान, इस दर्द मोहब्बत का कुछ तो ख्याल करो, भुला नहीं सकता। हम दर्द मोहब्बत का मिटा सकते हैं, लेकिन हम दर्द मोहब्बत मिटा सकते हैं, लेकिन ये रोग पुराना है, जरा देर लगेगी। ये रोग पुराना है, जरा देर लगेगी। ये रोमानी अंदाज नहीं छोड़ सकता, जो कुछ कहना है कह डालूंगा, लेकिन ये बात नहीं वो के बता सकता हूँ, लेकिन ये बात नहीं वो के मैं आते ही सुना दूँ।
सीने से लगाना है, जरा देर लगेगी सीने से लगाना है, जरा देर लगेगी बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी हो जरा देर लगेगी हो जरा देर लगेगी हो जरा देर लगेगी। क्या बात है संतोष जी, क्या गाना गाया, अलग अंदाज में आप आए, तो हम कह सकते हैं कि हमारी ऑडियंस भी थोड़ा सा मंत्रमुग्ध हो गए थे। और अभी के लिए हमारे अगले कंटेस्टेंट लेकर आ रहे हैं मोहम्मद रफ़ी जी के एक गाना। तो उनसे पूछा गया कि क्यों उन्होंने चुना है, वो तो साथ ही साथ बड़े फ़ैन है शमी कपूर जी के, और गाने की जब हमने रिसर्च की तो ये गाना इन्होंने लिखा है, किसने, हसरत जयपुरी जी ने। तो अभी के लिए हम बुलाना चाहते हैं धनराज जी को। कितनी हसीन होगी तो मौत कितनी हसीन
दर्शन होगे चिताम जल करुभ नाम टेगी सदा है मेरे मोहब्बत जवान क्या बात है. थैंक यू सो मच धनराज जी फॉर दिस वंडरफुल परफॉर्मेंस. अभी के लिए कंटेस्टेंट तो बहुत है हमारे साथ और आगे की ओर बढ़ते हैं और स्वागत करना चाहते हैं हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट का और ही विल बी ट्राइंग टू सिंग दिस सॉन्ग. इट्स फ्रॉम द मूवी अग्निपथ और थोड़ा सा कठिन है गाने के लिए. हम देखेंगे कैसे निभाते हैं इस गाने को. हम बुलाते हैं ऑन स्टेज संदीप. सिंगार में सजानू संगम की ये रहना इसमें त्योहार में मनानू खुशबू तेरी छुके कस्तूरी हो जाऊं कितनी भी की थी मैं सिंदूरी हो जाऊं सुर से जरा बहकी हुई मेरी दुनिया थी बड़ी बेसुरी सुर में तेरे धड़ने लगी बनी रपिया मैं बनी बांसुरी जिंदगी ने बहनी है मुस्कान करने लगी है इतना करम क्यों न जाने करवत लेने लगे हैं अरमान भी है आँख नम क्यों न जाने ओ सैया मेरे आसमां से जो हमेशा उमशुदा थे चांद तारे तूने गर्दिशों की लय बदल दी लौट आए
सारे क्या बात है संदीप जी, आपने जब गाया ना तो ऑडियंस सारी चुप हो गए थे सच्ची में। एक तो ये मेरा फेवरेट सॉन्ग भी है अग्निपथ से, वंडरफुल सैया। ओके, अभी के लिए अगले परफॉर्मेंस की ओर बढ़ते हैं। हमारे अगले कंटेस्टेंट का परफॉर्मेंस आपके दिल को छू जाए और हमारी जूरी मेंबर्स अप्रिशिएट करें तो यही हमारी कामना है। और वो कहते हैं कि मोहम्मद रफ़ी जी के बड़े चाहने वाले हैं, लेकिन आज वो आजमाना चाहते हैं सोनू निगम की आवाज़ की एक गाना। सो हम बुलाना चाहते हैं अभी के लिए हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट को, और उनका नाम है रोशन पुतारू। इस कदर प्यार है तुमसे हम सफल, इस कदर प्यार है तुमसे हम सफल, अब तो जीते हैं हम बस तुम्हें खबर। इस कदर प्यार है तुमसे हम सफर, अब तो जीते हैं हम बस तुम्हें सांसों में बसने लगी जब से तू हो जाने जा, अपना सा लगने लगा मुझको सारा जहां, महका महका लगता मुझको खुशियों से दिल का नगर, तुम्हारी हर अदा
खबर इस कदर प्यार है तुमसे हम सफर बात है रोशन पितारू जी फॉर दिस वंडरफुल सूदिंग परफॉर्मेंस. अभी के लिए हम बुलाना चाहते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट को और उनका नाम है हम बोलते हैं अभी के लिए लेकिन थोड़ा सा बात करते हैं हमारे इस अगले गाने के साथ. तो वो लेकर आ रहे हैं गुलजार जी के लिखे हुए गाने के साथ और कहना चाहते हैं कि ये गाना ओल्ड इज गोल्ड वो बहुत ही पसंद करते हैं ओल्ड सॉन्ग्स को और उनका नाम है सत्यम रामदू. में आ जा साथी रे
रारी रारो ओ रारी रो रारी रारो ओ रारी रो रारी रारो ओ रारी रो रारी रारो ओ रारी रो। धन्यवाद। वैसे इस बात से हम भी सहमत हैं कि ओल्ड इज गोल्ड। धन्यवाद देना चाहती हूँ आपका फॉर दिस वंडरफुल परफॉर्मेंस सत्यम जी। अभी के लिए लेकर आ रहे हैं एक ऐसा गाना जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। आपने देखी है मूवी ABCD2? जी हाँ, एक गाना है इसमें जिन्होंने एक्चुअली अरिजीत सिंह ने इस गाने को गाया है और वो डेडिकेट करना चाहते हैं इस गाने को अपनी माँ को और मॉरिशस के और दुनिया भर के सभी माओं को। उनका नाम है अमित कुमार वद्रा। जीना 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 रे ओरा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराई। जीना जीना रे ओरा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराई। रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का माई तेरी चुनरिया लहराई। जब मुझ पे है उधा सवाल माई तेरी चुनरिया लहराई। जीना जीना रे ओरा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराई।
वैसे इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद मैं जानती हूँ कि दुनिया भर की माँ बहुत तो खुश होंगी। अभी के लिए हम अपने अगले कंटेस्टेंट के बारे में क्या बात करें, वो तो एक म्यूजिकल फैमिली बैकग्राउंड से है। वो अपने करंट करी है डिप्लोमा कोर्स इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और उनका नाम है अक्षिति जोड़न। That was Akshiti for you. वैसे उनसे जब हमने बात की थी वो कहते हैं कि उनके मम्मी पापा ने हमेशा उनको प्रोत्साहित की है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को फॉलो करने के लिए। तो अभी के लिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट की ओर। उनका नाम है राम लगन जी और वो लेकर आ रहे हैं आपको एक मुकेश का ये गाना। आप सभी को ले चलते हैं 1959 में। क्या आप तैयार हो? अच्छा ले चलते हैं आपको राम लगन जी। आइए मैं
की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों दिल के हम अमीर है, माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों दिल के हम अमीर है, मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, चले बाहर के लिए वो जिंदगी, हो न हो हमें तो ऐतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल का ऐतबार का, जिंदा है से नाम प्यार का, रिश्ता दिल से दिल का ऐतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का, के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। वैसे क्या परफॉर्मेंस है आपने किया है राम लगन जी। अभी के लिए हम बढ़ते हैं इसी एरा की ओर, रखते हैं ओके द नेक्स्ट परफॉर्मेंस, और बुलाते हैं ऑन स्टेज हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट को। लेकिन उनसे हमने जब बात की थी, उन्होंने कहा कि ये गाना उन्होंने चुना है बिकॉज उनकी पत्नी ने और उनके बेटे ने उनको प्रोत्साहित किया है फॉर सिंगिंग दिस सॉन्ग। उनका नाम है नन कुमार जी। मगर लगता है कुछ ऐसा, मिल गया न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा की बात चुप है, खामोश
खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। ये मौसम ये रात चुप है, ये ऊँटों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। नजर बन गई है दिल की जबान, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, नजर लगता है कुछ ऐसा, मेरा हमदम मिल गया। मोहब्बत के मोर पे हम मिले सबको छोड़ के, हम धड़कते दिलों का लेके ये कारवां। मोहब्बत के मोर पे हम मिले सबको छोड़ के, हम धड़कते दिलों का लेके ये कारवां। चले आज दोनों जाने कहाँ, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा, मेरा हमदम मिल गया। तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा, मेरा हमदम मिल गया। क्या बात है नन कुमार चट्टू जी, 1962 का ये ब्यूटीफुल गाना आप सभी के नाम था, एंड आई होप कि आपने पसंद किया है इस गाने को। अभी के लिए हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट उसी एरा में, थोड़ा सा कम अगर हम कहें कि 1947, तो आपको याद होगा कि उसी सन 1947 में भारत ने अपनी स्वतंत्रता पाई थी। अभी के लिए बुलाना चाहते हैं ऑन स्टेज, इस गाने को चुना है उनके मम्मी पापा ने, उनका नाम है दीपशिखा राजी सिगुलाब। तो नहीं, तो कुछ भी नहीं है वहाँ
साना लिख रही हूँ सन 1947 में निकल कर. थैंक यू सो मच दीपशिका फॉर दिस वंडरफुल परफॉर्मेंस. अभी के लिए हम पहुँचाते हैं आप सभी को 1984 में. अगर हम कहें लता जी की आवाज़, अगर हम कहें तुझसे नाराज़ नहीं जिंदगी, वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग, बुलाते हैं ऑन स्टेज त्रिशा मोहन को. Well, thank you so much, Trisha Mohan, for this wonderful and last performance. ये थी हमारी
लास्ट यानी कि 12th कंटेस्टेंट फॉर दिस सिंगिंग कॉम्पिटिशन उभरते सितारे के थर्ड प्रीलिम। अभी के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ आप सभी ऑडियंस का। A big thank you goes out to our jury members, Vishal Mangalu ji, Dr. Varsha Rani B. Sardulua, and Hamai Sadhguru ji, Rahul Ranade. Thank you so much. A big thank you goes out to our decor materials, jinhone sponsor ki hai SD Events. And a big, big, big thank you goes out to our talented Saptasar Orchestra. तो चलिए अभी के लिए हमको इजाजत दीजिए, आप सभी से मुलाकात फिर से होगी यानी कि अगले हफ्ते फॉर द फोर्थ प्रीलिम। इस मंच पर हम आए संगीत की शान बढ़ाए, उभरते सितारे हम हैं, उभरते सितारे, उभरते सितारे हम हैं, उभरते सितारे। इस मंच पर हम आए संगीत की शान बढ़ाने, उभरते सितारे हम हैं, उभरते सितारे, उभरते सितारे हम हैं, उभरते सितारे, उभरते सितारे, उभरते सितारे, उभरते सितारे।